Yes, and today our topic is ordinary peoples and the crime against the humanity. It is from history, Nazism and the rise of Hitler. How did the common people react to Nazism? किस तरह से कॉमन पीपल्स ने नाजीज़्म को रिएक्ट किया, फिर उसकी प्रतिक्रिया दी. मैनी सा द वर्ल्ड थ्रू द नाजी आइज. बहुत लोगों ने जो है दुनिया को नाजी आइज से देखा. एंड स्पोक देयर माइंड इन देयर नाजी लैंग्वेज, और उनके दिमाग ने वही बोला जो नाजी बोलते थे. दे फेल्ट हेटर्स एंड एंगर्स सर्ज इनसाइड देम, और उनके अंदर जो है घृणा और गुस्सा भरा हुआ होता था. वैन ओवर दे से सा सम वन हु लुक लाइक ए ज्यू, जब वो किसी को ज्यू की तरह देखते थे, लुक लाइक ए ज्यू, जिसको अगर वो कोई व्यक्ति ज्यू की तरह दिखता था तो उनको बड़ा एंगर्स और हेट फील होती थी. दे मार्क द हाउस ऑफ ज्यू, वे ज्यू के हाउस को निशान लगा देते थे. एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स, और जो सस्पिशियस नेबर होता था, डाउटफुल नेबर्स होता था, उसकी रिपोर्ट कर देते थे. दे जनरली बिलीव्ड नाजीज़्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पर्टी एंड इम्प्रूव द जनरल वेलबींग. उनको ये विश्वास था कि नाजीमी जो है उनको उनके समृद्धि ला सकता है और उनके जनरल वेलबींग को, उनका उनके वेलफेयर में सुधार कर सकता है. बट नॉट एवरी जर्मन वाज ए नाजी, लेकिन हर कोई नाजी नहीं था. मैनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजीज्म, बहुत से जो बहुत उन्हें जो है ऑर्गेनाइज क्राइम का जो है एक्टिवली रेजिस्टेंस किया नाजीज्म का, और पुलिस रिप्रेशंस को उन्होंने जो है विरोध किया, और डेथ का भी उन्होंने विरोध किया. द लार्ज मेजोरिटी ऑफ द जर्मन्स, और बड़ी संख्या में जो जर्मन्स थे, हाउएवर वर पैसिव ऑन लुकर्स, वो पैसिव ऑन लुकर थे, पैसिव दर्शक थे. उन्होंने चुपचाप नाजियों के इस एटीट्यूड को, इस ट्रीटमेंट को होते हुए देखा. एंड एपेथेटिक वे विटनेस, और वो जो है दयनीय गवाह थे. दे वर टू सेकर्ड टू एक्ट, और वह इतने पवित्र थे टू डिफर्स टू प्रोटेस्ट. वह मतलब सब कुछ देखते हुए भी वो जो है उन विरोध नहीं कर किया उन्होंने. दे प्रेफर टू लुक अवे, वह जो है इसके बजाय, वो विरोध करने के बजाय वो लुक अवे यानी कि दूसरी तरफ देख लेते थे. पेस्टस निमुलेस रेजिस्टेंट फाइटर्स, और एक पेस्टोस नेमुलियस जो पैसिव फाइटर था, ही ऑब्जर्व्स एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट. उसने जो है ये जो प्रोटेस्ट की फीलिंग्स जो थी उसकी एब्सेंस लोगों में देखी, और वो चुपचाप अनकैनी साइलेंस इट वाज सीन बाय द निमोलियर अमंग्स ऑर्डिनरी जर्मन्स, और दूसरे जो साधारण जर्मनी के साथ ही. इन द फेस ऑफ द ब्रूटल एंड ऑर्गेनाइज क्राइम कमिटेड अलोंग अगेंस्ट द पीपल्स इन द नाजी एम्पायर, और जो ऑर्डनरी जर्मन्स के जो है ऑर्डनरी जर्मन्स जो ब्रूटल्स और ऑर्गेनाइज क्राइम जिन्होंने नाजियों ने किया लोगों के प्रति नाजी एम्पायर्स में, उसके प्रति वो साइलेंस ही रही. ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस, उसने अपने साइलेंस के बारे में द्रवित होते हुए लिखा, व्हेन ज्यू फेल्ट इन नाजी जर्मनी ए डिफरेंट स्टोरी टुगेदर. व्हाट ज्यू फेल्ट, नाजी जर्मनी में ज्यू क्या महसूस करते थे, कि ये एक अलग, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी है, ये एक डिफरेंट स्टोरी है. चार्लोट्स ब्रैडिट्स सीक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम्स इन हिज इनर डायरी. चार्लोटी ब्रैडिट्स ने अपने लोगों के ड्रीम्स को अपनी डायरी में नोट किया, रिकॉर्ड किया, और बाद में उसको जो है पब्लिश कराया इन ए हाईली
डिकंसर्टिंग बुक्स और हाईली डिसकंसर्टिंग बुक्स में इन्हें प्रकाशित करवाया, जिसका नाम था थर्ड राइक्स ऑफ ड्रीम्स। सी डिस्क्राइब हाउ ज्यू देम सेल्फ बिकेन बिलीविंग इन द नाजी स्टोरी टाइप्स अबाउट देम, और किस तरह से उसने ये वर्णित किया कि किस तरह से ज्यू जो थे अपने आप को जो है अपने आप यकीन करने लगे कि जो नाजी जो उनको देखते हैं, जो उनके आउटर एक्सपीरियंस है उसको, आउटर अपीरियंस है उसको, जो जिस तरह से वो देखते हैं उसी तरह से उन्होंने सोचना चालू कर दिया। द ड्रीम्स ऑफ देयर हुक नोज, वह अपनी मुड़ी नोज को जो है सपनों में देखते थे, ब्लैक हेयर्स और आइज को देखते थे, ज्यूस लुक एंड बॉडी मूवमेंट्स, और ज्यूस लुक को जैसे कि नाजी बताते थे, बॉडी मूवमेंट्स जैसे नाजी बताते थे उसको अपने सपनों में देखते थे। द स्टीरियोटाइप इमेज, जो स्टीरियोटिपिकल्स इमेज जो नाजी प्रेस में पब्लिश होती थी, दे हॉन्टेड द ज्यू, वह ज्यू को कई बार डराती थी। दे ट्रबल्स देम इवन इन देयर ड्रीम्स, और कई बार जो है यहूदी जो थे, ज्यू जो थे, वो अपने सपनों में भी जो है नाजी उनको परेशान करते थे। ज्यू डाइड मैनी डेथ्स, ज्यू ने कई बार जो है उनको डेथ हुई, इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर में पहुँचने से पहले उन डर डर के उनकी जो है कई बार डेथ हुई।